हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयत देखिए आकृति में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें देखिए एक्स और वाई के मान निकालने हैं। जो देखिए हम एक आयत दिया गया है, ठीक है, और उसकी कुछ डायमेंशन दी गई हैं, उसकी जो लंबाई है और चौड़ाई की हमें बीमाएँ दी गई हैं। इसी को हमें सॉल्व करना है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम आयत की परिभाषा देखते हैं। आयत की परिभाषा क्या होती है, आयत की परिभाषा होती है आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, या हम कह सकते हैं आयत की विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए आयत की परिभाषा, आयत की परिभाषा है आयत में आमने सामने अर्थात विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये वाली भुजा है, इसके सामने की भुजा बराबर होगी, और देखिए ये जो चौड़ाई है इसके आमने इसके सामने की जो चौड़ाई होगी ये भी आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो इसी से हमारा सवाल सॉल्व होगा, यही हमारी सबसे बड़ी हिंट है। तो चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया है आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, तो हम इसी को लेके चलेंगे। देखिए जो भुजा है ये वाली भुजा है x प्लस थ्री वाई, और इसके बराबर ये वाली भुजा है, तो x प्लस थ्री वाई बराबर होगी 13 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस थ्री वाई, और जो भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो इस वाली भुजा की डायमेंशन कितनी है, 13। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक समीकरण बन चुका है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरी भुजा को देखेंगे। दूसरी भुजा कौन सी है, ये देखिए जो चौड़ाई है ये भुजा है, और इसकी जो डायमेंशन है 3x प्लस वाई, और ये भुजा किसके बराबर होगी, ये सामने की भुजा के बराबर होगी, तो ये भुजा है 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस वाई बराबर 7 लिखेंगे। चलिए लिखते हैं 3x प्लस वाई, ठीक है, बराबर है 7। तो देखिए हमारे दोनों समीकरण बन चुके हैं, इसको हम सेकंड समीकरण का नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इससे हमारे दो समीकरण बन चुके हैं, अब हम इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम x और y के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें समीकरण को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। हम जिसको सॉल्व करने हैं उस विधि का नाम भी तो हमें बताना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे विलोपन विधि, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे विलोपन विधि, ठीक है। तो हमारी विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, एक पद को हम बराबर करते हैं, या हम x पद को बराबर कर लें या हम y पद को बराबर कर लें, एक पद को हम गायब करते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है विलोपन, यानी कि विलुप्त करना। एक पद को हम विलुप्त कर देते हैं यानी कि गायब कर देते हैं, फिर उसके बाद एक पद की वैल्यू निकाल लेते हैं, और उस पद की वैल्यू हम दूसरे या पहले समीकरण में रख के हम दूसरे पद की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स पद या वाई पद हम बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम ये x वाला पद बराबर करेंगे, यहाँ पर देखिए 3x है और यहाँ पर केवल x है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में पूरे समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 3x हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3x है, देखिए x वाला पद बराबर हो जाएगा, और यही हमें करना है। तो चलिए करते हैं, जब हम 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, ठीक है, 3x, और जब हम 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 × 9y हो जाएगा, 9y बराबर है, और 3 की मल्टीप्लाई हम 13 में करेंगे तो 13 × 3 = 39, ठीक है। अब देखिए दूसरा समीकरण है 3x प्लस y बराबर के 7, ठीक है। तो हमने बराबर के 7 लिख दिया है, और ये समीकरण तो पहले या दूसरे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे हम घटाएंगे, घटाने पर यहाँ पर लिख देंगे, घटाने पर जब हम घटाते हैं तो हम सारे चिन्ह आपस में चेंज कर देते हैं। ये देखिए प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये देखिए माइनस के 3x और प्लस के 3x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 9y प्लस का है, केवल y माइनस का है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, 9y में से 1y माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8y बचेगा, वो भी प्लस का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 39 में से 7 माइनस करेंगे, 32 बचेगा, 32 लिख देंगे। और आगे करेंगे y बराबर m बराबर 32, और ये 8 है ये मल्टीप्लाई में, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में पहुँच जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 8 से ही डिवाइड करेंगे, 8 ही कम 8 और 8 चौक 32 में देखिए y की वैल्यू 4 मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम y की वैल्यू चाहे हम इन वाले समीकरण में रख दें फर्स्ट में, या इस वाले सेकंड में, या हम इस वाले समीकरण में रख दें या हम इस वाले में, हमें x की वैल्यू इजीली निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले समीकरण में y की वैल्यू रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये वाला समीकरण को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस और y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, यहाँ पर देगी 4। तो हम सीधी डायरेक्ट यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 बराबर कितने हैं, 7। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 4 प्लस का है, जब इसको इधर लेके आएंगे ये माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 7 माइनस 4 बराबर कितना बचा, 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3x बराबर 3, अब हम इसके 3 मल्टीप्लाई में है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो x बराबर 3/3। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक बार कटेगा, तो x की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो हमें देखिए x और y के मान निकालने थे, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 आ चुकी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 है। हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः x बराबर 1 और y बराबर 4। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना था, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।